नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छात्र नेता फहद वहीद फैज ने अपने जन्मदिन पर जिला महिला अस्पताल में फल, दूध के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति से ही मन में समाज सेवा का भाव जागृत हुआ, तब से मैं हर साल अपने जन्म दिवस पर जिला महिला अस्पताल में फल दूध का वितरण के साथ ही गरीबों को भोजन कराकर जन्मदिन मनाता हूँ। इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। वितरण के दौरान छात्र नेता फहद वहीद ने लोगों से अपील की कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा जारी अन्य गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने को सुरक्षित रखें। वितरण के दौरान वरुण सिंह, तस्लीम खान, राहुल मिश्रा, तंजील रजी, रजनीश मिश्र, इरशाद अहमद, मुलायम यादव, राकेश कुमार, अंकुर पांडे, रेहान आदि मौजूद थे। मोहम्मदाबाद नगर के हाटा रोड स्थित केशरी मोड़ पर सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने रविवार को कैंप लगाकर 100 से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट किया। सीएससी मोहम्मदाबाद के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय ने बताया कि पिछले 4 माह से यहां कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। शनिवार को 173 लोगों का टेस्ट हुआ, आज अवकाश के चलते कुछ कम लोगों का टेस्ट हुआ। वैसे यहां औसतन 150 लोगों का प्रतिदिन टेस्ट उप जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर कैंप लगाकर किया जाता है और पॉजिटिव मरीजों को 10 दिन होम आइसोलेशन में और 7 दिन क्वारंटाइन में रखा जाता है। शासन के गाइडलाइंस के अनुसार मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो पॉजिटिव मरीज हाई लेवल शुगर या हाइपरटेंशन का मरीज होता है उसे कोविड लेवल 1 अथवा लेवल 2 हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जांच टीम में डॉक्टर तौसीफ, लैब टेक्नीशियन अजय, लैब सहायक ओम प्रकाश, वार्ड बॉय अवधेश राय, स्टाफ नर्स सरोज वाला, गीता यादव, हेल्थ वर्कर त्रिभुवन, अभिषेक कुमार एवं डेटा ऑपरेटर कृष्णा आदि लोग शामिल थे। दुल्लापुर थाना क्षेत्र के दुल्लापुर में रविवार को नाचने को लेकर पवैया टीम में और किन्नरों के बीच हंगामा खड़ा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझा कर मामला शांत कराया। हुआ यूं कि दुल्लापुर गांव निवासी अंगद चौहान को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसकी जानकारी होने पर सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार गांव के पवैया बधाई गाने के लिए उसके घर पहुंचे। उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। इसी बीच आधा दर्जन से अधिक किन्नर वहां पहुंच गए। जिस मकान में पवैया टीम के लोग नाच रहे थे उसे अपना एरिया बताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में शोर शराबे के बीच बवाल होने लगा। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। लोगों द्वारा समझाने पर भी हंगामा शांत नहीं हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने 112 में पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस समझाने में जुट गई, लेकिन हिजड़ा अपनी मनमानी करते हुए पुलिस की भी नहीं सुन रहे थे। सूचना पर उप निरीक्षक राम उग्रह पांडे मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझा कर किसी तरह से करीब 4 घंटे बाद शांत कराया। महिलाओं का कहना था कि गांव में बधाइयों में नाचने के लिए पवैया ही आते हैं, लेकिन किन्नर पहुंच गए। इस घटना की लोग चटखारा लेकर चर्चा करते रहे। नगरपालिका द्वारा गाजीपुर करंडा मार्ग पर अहिरपुरवा जंजीरपुर में सड़क से सटाकर कूड़ा फेंके जाने से ग्रामीणों के साथ ही राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा समस्या से अवगत कराने पर रविवार को सपा जिला अध्यक्ष रामधारी यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भाजपा के चेयरमैन साहब मोदी जी के जन्मदिन समारोह पर नगर की सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो बीच सड़क पर कूड़े का ढेर लगा रहे हैं जो उनके दिखावटी स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से तत्काल संज्ञान लेकर वहां डंप पड़े कूड़े के ढेर को हटवाने की मांग की। कहा कि अगर तत्काल कूड़ा नहीं हटा तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करने को मजबूर होगी। जिलाध्यक्ष के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा, पूर्व महासचिव सदानंद यादव, मीडिया प्रभारी अरुण कुमार श्रीवास्तव और अवधेश कुशवाहा आदि मौजूद थे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में रविवार को अंधाऊ पावर हाउस पर बैठक हुई। इस मौके पर जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर 25 सितंबर से महात्मा गांधी के जन्मदिन तक लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों व विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को ज्ञापन दे अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस मौके पर संयोजक शिवम राय, सह संयोजक इंजीनियर शत्रुघ्न यादव, संतोष मौर्य, पंकज जायसवाल, तपस कुमार, अवनीश सिंह, चित्रसेन प्रसाद, रवि चौरसिया, अरविंद कुशवाहा, विनय तिवारी आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।